तो ये वीडियो ना ये बैटरी का चार्जिंग के ऊपर में होगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड है ये गाड़ी, क्लाइंट ठेल के लाई मेरे पास में। तो इसमें क्या हो रहा था कि बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, बुलेट स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो इसमें चेक करके मैं देखें कि इसका बैटरी पूरा डिस्चार्ज होके है। तो इसी तरह अगर समस्या बैटरी से रिलेटेड आता है कि इग्निशन ऑन करने के बाद में यहाँ पे कुछ दिखे नहीं, तो आपको करना क्या है, इसमें दो तीन चीज़ हम बताएंगे इसमें कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा, क्यों हो रहा, ये चीज़ देखना है। और बैटरी चार्ज अगर डिस्चार्ज हो जा रहा तो कहाँ इसका प्रॉब्लम है, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए। मैं इसको खोल के रखा हूँ क्योंकि मैं इसका प्रॉब्लम पकड़ चुका हूँ, इसलिए आप लोग को भी बता देना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बैटरी चार्जिंग रॉयल एनफील्ड में ना हो, अगर स्टार्ट का समस्या हो रहा है, तो ये चीज़ आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग बैटरी से भी रिलेटेड है और स्पार्क प्लग से भी है, तो वो टॉपिक दूसरा है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा। तो ये मेरे हाथ में देख रहे रेगुलेटर है, ये इस जगह पे इस तरह अटैच रहता है। तो हम लोग ना अभी क्या क्या स्टेप अगर चेक करेंगे तो ये सारा चीज़ इसको मामले पकड़ में आ जाए। तो फिलहाल मैं अभी बैटरी दूसरा बैटरी लगा कर रखे हैं, इसका जो बैटरी था वो चार्जिंग में चला गया है चार्ज करने के लिए। तो मैं दूसरा बैटरी से, तो सबसे पहले आपको, आप जिस बाइक में प्रॉब्लम इसी तरह आ रहा तो उसका बैटरी वोल्ट नापना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बैटरी वोल्ट, इसी तरह मल्टीमीटर लेकर के इसको यहाँ पे वोल्ट में रखना है और दोनों टर्मिनल को माइनस प्लस में आपको रखना है। अब सबसे पहले आपको बैटरी वोल्टेज को नापना है कि इसमें बैटरी वोल्ट दे रहा कि नहीं, ठीक है। आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ देखिए माइनस से प्लस में लगाएं, देखिए यहाँ बैटरी में 12 वोल्ट बता रहा, ये तो अभी सही है बैटरी, लेकिन आपका बैटरी में मैं डिस्चार्ज बताएगा उस टाइम बैटरी कोई चार्ज नहीं रहेगा। अगर यही प्रॉब्लम रहे गाड़ी में, तो अगर अलग रहे तो इस प्रॉब्लम के लिए बैटरी तो अभी चार्ज में है। उसके बाद क्या करेंगे, बाइक में हम लोग बाइक को स्टार्ट करेंगे, बाइक को स्टार्ट करके फिर एकदम देखेंगे कि ये रेगुलेटर चार्ज कर रहा है कि नहीं इस बैटरी को। बाइक स्टार्ट करने से पहले ना एक बार आप लोकेट कर लीजिए कि फ्यूज़ में फ्यूज़ कटा है कि नहीं, चार्जिंग फ्यूज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 20 नंबर एम्पियर, तो यहाँ पे ये फ्यूज़ निकाल के देखना है कि ये कटा हुआ या सही है। तो हमने देख लिया कि इसमें सही है, इसलिए ये वीडियो सॉरी ये नहीं बता रहे आपको, क्योंकि आपको चेक करना है ये फ्यूज़ को कि ये सही है कि नहीं, एक फर्स्ट स्टेप। और दूसरे स्टेप बाइक को स्टार्ट करना है, फिर इस तरह वोल्टेज को हम लोग चेक करेंगे। बाइक को मैंने अब स्टार्ट कर लिए, अब इसका क्या करेंगे, वोल्टेज नापेंगे और इसमें कितना वोल्ट दे रहा मीटर में, ये चीज़ देखना है। यहाँ पे थोड़ा लगा देते हैं क्योंकि एक्सीलेटर देने के बाद में लग जा रहे भाई, ये लग गया, ये देख पा रहे 11। थोड़ा सा एक्सीलेट करो तो गाड़ी, देखिए एक्सीलेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए घट रहा है, बंद कर दो बाइक को। तो हमने क्या देखे कि एक्सीलेटर करने के बाद में ये बढ़ नहीं रहा वोल्टेज, तो इसका मतलब ये जो रेगुलेटर है इसी में कुछ गड़बड़ है। तो उससे पहले एक स्टेप और भी है, वो भी चेक करना ज़रूरी है, तब जाके फाइनली ये पकड़ में आएगा कि ख़राब है कि अच्छा है। यहाँ पे जो देख रहे हैं केबल है, ये मैग्नेट से आई है, मैग्नेट से, तो मैग्नेट आर्मीचर जो कॉइल है वो भी एक बार चेक करना ज़रूरी है आपको, क्योंकि ये सही है कि नहीं, आर्मीचर ठीक ठाक जनरेट कर रहा है कि नहीं वोल्ट। तो इसको ऐसे खोल लेते हैं, उसके बाद आप एक वायर लीजिए टुकड़ा, वायर के टुकड़ा से आप एक तार लगाइए, एक तार बॉडी में लगाइए, अगर जिसमें वायर फायर होगा तो वो ख़राब समझेंगे। और तीनों में इसी तरह चेक करेंगे बारी बारी करके, अगर ना आए तीनों में करंट तो ये अच्छा है, अगर किसी में फ्लास आए तो ख़राब है ये। तो इसमें अगर काम कैसे करता है, तो आपस में दोनों को टर्मिनल को चेक करेंगे।
इस तरह आप एक तार लगा करके आपको चेक करना है, बाइक को स्टार्ट रखना है, बाइक को स्टार्ट रख करके आपको यहाँ पे कहीं भी अर्थिंग पे टच करना है, अर्थ पे। पीछे दिखाना है हम यहाँ पर, फिर यहाँ दिखाएगा ना, फिर यहाँ दिखाना, थोड़ा पीछे कर राइट। हाँ बस, तो अभी को टच करना है आपस में, आर्थ लगा करके, सॉरी आर्थ बोल रहा है बॉडी में, तीनों को तीनों में देखना है कि जिसमें अगर प्लस आए देख लेते हैं एक बार चेक करके फटाफट से, देखिए किसी में भी नहीं आ रहा, इसमें देख लेते एक बार, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें एक बार देख लेते हैं, इसमें भी नहीं आ रहा, इसका मतलब एयर मैग्नेट कॉइल अच्छा है। तो ये हम लोग समझे ना क्या ये सही है। अब इसको हम लोग चेक करना कैसे है, इसको आपस में लगा करके तीनों पे चेक करना है ऐसे करके, वोल्ट आ रहा कि नहीं, ये देखिए आ रहा, मतलब फ्लास हो रहा, आ रहा, तीनों में देखना है इस तरह। ये देखिए आ रहा, तो बाइक को बंद करो। तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये चार्जिंग यहाँ से हो रही है, मैग्नेट करंट बना रही है, लेकिन बट ये काम नहीं कर रहा, मतलब इसमें घुस रहा निकल नहीं रहा, निकलेगा किससे, ये वाला तार से निकलेगा, ये जो फ्यूज में कनेक्ट होता है, ये भी चीज़ हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ से आपको अलग से चेक करना होगा। आपको चेक करने के लिए ना कपलर यहाँ पे इस तरह जोड़ देना है, और ये जो कपलर है इसमें रेड का रेड वायर है, रेड वायर में प्रॉप को सटाना है, मल्टीमीटर को एक बार ऐसे रखना है, इसमें वोल्ट सही दे रहा है कि नहीं, और काला वाला जो प्रॉप है इसको न्यूट्रल मतलब अर्थिंग कहीं लगा कर रखना है। अब बाइक को स्टार्ट करना है, अर्थिंग यहाँ पे लगाना है, उसके बाद मल्टीमीटर की तरफ आपको चेक करना है, क्योंकि मल्टीमीटर में कुछ बता नहीं रहा, इसका मतलब ये पूरा फेल हो गया, ये पूरा फेल हो गया, ये पूरा फेल हो गया, दूसरा लगाने पड़ेगा, ये चार्जिंग खराब हो गया। तो हम लोग दूसरा लगाते हैं, उसके बाद फिर से एक बार चेक करके बता। नया वाला ना आपको कपलर टू कपलर यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे जैसे मैं लगा के रखा हूँ, क्योंकि नया वाला है ये अभी परचेस करके लाए हैं अभी दुकान से, तो जैसे लगा हुआ था उस तरह आपको लगाना है, यहाँ पे लगा देना है। और फिलहाल मैं अभी फिटिंग नहीं कर रहा हूँ कि आपको बताने के लिए इस तरह करके हम दिखा रहे हैं। अब क्या करना है, बाइक को जैसे बैटरी को लगा कर रखे हैं, बैटरी वोल्ट बता रहा अभी 12 है, अब ये 14-13 हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हमको ना बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करो बाबू एक बार। अब देखिए बाइक ये स्टार्ट हो गया, अब इसमें बैटरी वोल्ट हमारा रेगुलेटर लगा हुआ नया, अब इसमें बैटरी वोल्ट हम लोग चेक करते हैं। देखिए अभी तो RPM में ही सिर्फ 13 उठ गया, अब थोड़ा सा एक्सीलेटर करो तो गाड़ी को, बढ़ाओ, तो बंद कर। तो आसपास अभी देखिए 12-13 तक उठा, इसका मतलब चार्जिंग हो रहा है बैटरी। पहले हम लोग का क्या हो रहा था, बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा था, इसका वजह से इनपुट हो रहा था आउटपुट निकल नहीं रहा था। तो ये जो है ना 14 तक जाएगा, अगर 14 से ज़्यादा भागता है मतलब 15 ऊपर चल जाएगा तो भी ये फेल मानेंगे, तभी ये हार्ड आर मतलब राइडिंग करने के लिए 14 तक जाएगा ये, तो अच्छा है मतलब बैटरी ठीक ठाक चार्ज हो रहा हमारा। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, कि अगर इसी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह चेक करके फाइनली इसको ख़राब समझ सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस को काम को आसान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर कुछ सीखने मिला तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन घंटा ज़रूर दबाइएगा, और आप लोग सब्सक्राइब करके रखें लेकिन वीडियो देखते नहीं है हमारा, तो वीडियो भी देखा करिए, कमेंट करिए नीचे में कि अच्छा बना रही है ख़राब बना रही है, कि कहीं पर दिक्कत आ रही है तो बोलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो रॉयल एनफील्ड, तब तक के लिए बाय बाय, अगले नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।